फ्रेंड्स, दिल्ली एयरपोर्ट और मुंबई एयरपोर्ट हमारे देश के सबसे बड़े एयरपोर्टों में से एक माने जाते हैं। ऐसे समय में जब देश में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद हो रही हैं, तो इस समय में दिल्ली एयरपोर्ट और मुंबई एयरपोर्ट से जुड़ी हुई हर खबर काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाती है। आपको यहाँ पर बता दें कि जो पैसेंजर्स भी दिल्ली एयरपोर्ट या फिर मुंबई एयरपोर्ट पर आने वाले हैं, उनके लिए कोरोना जाँच से लेकर क्वारंटाइन तक अलग अलग नियम बना दिए गए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली एयरपोर्ट को लेकर, तो यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट से इस समय की बड़ी खबर आ रही है नए कोरोना वायरस को लेकर। भारत सरकार ने यूके के साथ फ्लाइटों की अनुमति आज रात के 12 बजे तक ही दी हुई है। और आपको बता दें कि इस समय तक यूके से 266 पैसेंजर्स दिल्ली एयरपोर्ट पर आ चुके हैं। इन सभी 266 पैसेंजर्स का दिल्ली एयरपोर्ट पर जब दोबारा कोरोना वायरस टेस्ट किया गया, तो उनमें से 5 लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए, जिसमें से कुछ क्रू मेंबर्स भी शामिल हैं। इन सभी लोगों के सैंपल को दिल्ली एयरपोर्ट के अधिकारियों के द्वारा टेस्टिंग के लिए भेजा गया है। अभी देखना ये रहता है कि क्या नया कोरोना वायरस जो यूके में है वो दिल्ली में भी आ चुका है या फिर नहीं। इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट पर जो पैसेंजर्स भी यूके से आने वाले हैं, उन सभी पैसेंजर्स को अपने साथ कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना अनिवार्य है। अभी तक भारत सरकार ने कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट कंपलसरी नहीं किया हुआ था, लेकिन अब कोरोना वायरस के सेकेंड हिट को देखते हुए, जिनमें कि नए कोरोना वायरस की खबर आ रही है, उस खबर के बाद अब जो पैसेंजर्स भी यूके से ट्रैवल करेंगे, उन सभी पैसेंजर्स के पास कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी रहेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि यूके के साथ अभी उड़ानें केवल आज भरी ऑपरेट होने वाली है। 23 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक यूके के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद है। इसके अलावा जो पैसेंजर दूसरे देशों से आने वाले हैं, उन पैसेंजर्स के साथ अभी वही नियम रहेगा जो नियम पहले था। यदि आप बिना कोरोना टेस्ट के भी दिल्ली एयरपोर्ट पर आना चाहते हैं, तो आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर आने के बाद भी आप अपना कोरोना का जांच कराकर अपने घर जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मुंबई एयरपोर्ट को लेकर, तो मुंबई एयरपोर्ट पर जो पैसेंजर्स अभी आने वाले हैं, अब नए नियम के अनुसार सभी पैसेंजर्स का कंपलसरी 14 दिन का क्वारंटाइन करने का फैसला लिया गया है। आपको यहाँ पर बता दें कि यदि आप कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करते हैं या फिर आप मुंबई एयरपोर्ट पर आकर अपना कोरोना का जांच करवाते हैं, तो किसी भी हालात में आप क्वारंटाइन से नहीं बच सकते। आपको कंपलसरी 14 दिन के क्वारंटाइन में रहना जरूरी रहेगा। ये नए नियम इस समय यूरोपियन देशों के साथ साथ यूके और साथ ही साथ कोई भी पैसेंजर्स गल्फ देशों से ट्रैवल करता है, तो उन सभी पैसेंजर्स के ऊपर ये नया नियम लागू होगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ जरूरी जानकारी थी दिल्ली एयरपोर्ट और मुंबई एयरपोर्ट से। यदि आप इन एयरपोर्टों से ट्रैवल करने वाले हैं, तो आपको ये सारे नियम पता होने चाहिए, ताकि आपको एयरपोर्ट पहुंचने के बाद कोई दूसरी समस्या उत्पन्न ना हो। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाए, और चैनल को यदि आप पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि फ्रेंड्स इस समय सारी खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो पैसेंजर्स भी एयरलाइन से ट्रैवल करते हैं।